दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर 2023 दोस्त आपके बीच में लगातार तमाम तरह के कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन 2023 के संदर्भ में। और अगर देखा जाए चैनल के माध्यम से आप सभी के कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास वीडियो के माध्यम से किया जा रहा है। जैसा कि आप जो है देख रहे हैं कि 4 सितंबर एक और नया आंकड़ा, बिल्कुल अगर देखा जाए मैंने कल की डेट में पीएनपी की तरफ से कुछ एक संभावित नया आंकड़ा आया हुआ था, कितने आवेदन हुए हैं, कितने लोगों ने फीस जमा किया है, इन सारी चीजों पर हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज उसी आंकड़े को फिर से एक बार परिवर्तित किया गया है। उस परिवर्तन के बाद कौन सा आंकड़ा निकल कर आ रहा है इस वीडियो में हम साझा करेंगे। देख पा रहे हैं एक और नया आंकड़ा, 233,350 सीटों पर होगा प्रवेश। ये चीजें आपको पता है कि टोटल इस बार जो है 233,350 सीटों पर आपका प्रवेश होना सुनिश्चित हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए 233,350 सीटों के सापेक्ष बड़ी मात्रा में लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फाइनली अगर हम बात करें तो फीस की प्रक्रिया जो है भारी मात्रा में लोगों ने जमा किया है। यहाँ देखिए फाइनल सबमिट जो फॉर्म हुए हैं वो 3,33,183 अभ्यर्थियों ने जो है टोटल फीस जमा किया है। अभी तक आपके बीच में आ रहा था 3,36,000, लेकिन ये चीजें थोड़ा सा आंकड़ा और लोवेस्ट आया। और यहाँ नीचे देख पा रहे हैं आपके बीच में कहा जा रहा है कि 99,833 कैंडिडेट एक्स्ट्रा। बिल्कुल अगर देखा जाए जो फाइनल सबमिट हुए हैं और टोटल सीटों के सापेक्ष अगर हम बात करें तो 99,000 लगभग ये मानकर चला जा रहा है कि 1,00,000 कैंडिडेट जो हैं वो अब की बार एडमिशन लेने के कगार पे एक्स्ट्रा अभ्यर्थी खड़े हैं। ठीक है, सीटों के सापेक्ष पूरी तरीके से हम चर्चा करेंगे। उसके नीचे देखिए कहा जा रहा है बुरी खबर नहीं होगा एडमिशन। आखिरकार ये कैसे अभ्यर्थी हैं जिनका एडमिशन नहीं होगा, कट ऑफ में भारी उछाल देखने को मिलेगा। और आपके कमेंट ये आ रहे हैं कि भैया फॉर्म में संशोधन का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूँ संजय, आप सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए एक चीज सबसे पहले मैं आपको एक आंकड़ा दिखाना चाहूंगा। ये आंकड़ा आप देख पा रहे हैं आपके बीच में, टोटल अभ्यर्थी जो है 3,33,183 लोगों ने फीस जमा किया है और 233,350 सीटें हैं। अगर इनमें से इन्हें घटा दिया जाए तो 99,833 अभ्यर्थी जो है एक्स्ट्रा जो है सीटों के सापेक्ष पड़े हुए हैं। ठीक है, अब सवाल उठता है एक जो अपडेट सारे उसे हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखिए आपके बीच में अपडेट है, 4 सत्र के बाद डीएलएड की सीटें भरने की उम्मीद। अब यहाँ देखिए कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में 4 साल बाद सीटें जो है फुल होने की उम्मीद है। प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डीएलएड में प्रवेश के लिए आवेदन की बाढ़ आ गई। प्रवेश के लिए पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 अगस्त जो है 31 अगस्त तक परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने वेबसाइट 5,09,000 यानी टोटल जो हमने आपको कल बताया था 5,09,969 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया, इनमें से 3,38,000 ठीक है जो कि मैंने अभी आपको बताया कि 3,00,000 जो है यहां देखिए आपके बीच में दिया जा रहा है, जो कि यहाँ चीज़ें आपके बीच में स्पष्ट नज़र आ रही हैं। ठीक है, यहाँ कहा जा रहा है इनमें से 3,00,000 जो है 38,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने फीस जमा किया। अब यहाँ देखिए इनमें से 3,33,000 अभ्यर्थियों ने रविवार तक अंतिम रूप से आवेदन किया है। और कहा जा रहा है हालांकि अंतिम रूप से आवेदन 5 सितंबर तक स्वीकार होंगे। ठीक है, यानी 5 सितंबर तक अभी आपके पास जो है मौका है। अगर आपने हालांकि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वगैरह तो समाप्त हो चुकी है, ठीक है, यहाँ अंतिम रूप से आवेदन का जो है आपके पास 5 सितंबर तक मौका है और स्वीकार भी किया जाएगा। इस बार जो है
सीटों को देखेंगे, इस बार जो है प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट सीटी 10,600 और 2,974 निजी कॉलेजों में कि 2,22,750 यानी कुल 2,33,350 सीटों पर प्रवेश होना है। उम्मीद जताई जा रही है कि सीटें भर जाएंगी। 2018 में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की ओर से बीएड को प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षक भर्ती में मान्य करने के बाद डीएलएड का क्रेज घट गया। 18, 19, 21 और 22 में आधी सीटें भी भरना मुश्किल हो गया था। अब यहाँ देखिए 31 अगस्त तक यहाँ पंजीकरण की बातें कही जा रही है, और भी चीज़ें आपने देख लिया। अब यहाँ सवाल उठता है, अगर इतने कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं तो क्या सभी का एडमिशन हो ही जाएगा? जी नहीं, ये मुश्किल है। अगर आपकी कट ऑफ मैंने आपसे बताया है कि 170 बन रही है, ठीक है, तो आपका एडमिशन होना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा, बहुत सारे कैंडिडेट हैं 170 पर भी एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आप जैसे मानकर चलते हैं कि जिनकी जिस कॉलेज की छवि अच्छी खासी होगी, भाई जाहिर सी बात है उनकी कट ऑफ एक्स्ट्रा जाएगी। अगर आप उसी कॉलेज को लॉक कर रहे हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। आपकी कट ऑफ लोवेस्ट है, आपको लोवेस्ट कॉलेज को ही लॉक करना पड़ेगा। बाकी आप जिसे मन कहे वो लॉक करें, जो मुझे पता है अच्छी तरह से उसे मैं आपके बीच में बता दे रहा हूं। डीएलएड का क्रेज इस वर्ष बढ़ा हुआ है, 1,00,000 से अधिक अभ्यर्थी एक्स्ट्रा हैं, सीटें आपके यहां 2,33,350 हैं, तो इसलिए कॉलेज मिलना बिल्कुल न के बराबर अब चांसेस बताए जा रहे हैं जिनकी कट ऑफ कम है। बुरी खबर नहीं होगा एडमिशन, मैंने आपसे बताया कि अगर आपकी कट ऑफ कम है भैया तो बिल्कुल एडमिशन होने के चांसेस कम हैं। और फिलहाल के लिए यहां तो इतने लोगों की बातें कही जा रही है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट हैं, लेकिन अभी इसमें फॉर्म रिजेक्ट की भी बातें आ रही हैं 87,172 की। तो किसका फॉर्म रिजेक्ट होगा ये आने वाले 12 तारीख को तय हो जाएगा। अभी फिलहाल के लिए रिजेक्ट के संदर्भ में पीएनपी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है, इसलिए इसके संदर्भ में कोई भी जिक्र नहीं किया जा सकता। आगे यहां कट ऑफ में भारी परिवर्तन, ये चीजें 101% सत्य है कि कट ऑफ में भारी उछाल अब की बार आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, सीटें कम हैं, इसलिए कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। कट ऑफ हाई नहीं जाएगी तो भैया सबको एडमिशन की कतार में आना पड़ेगा, इसलिए सीटें कम हो जाएंगी और एडमिशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इस चीज़ को नोट करिएगा। हालांकि एग्जैक्ट कट ऑफ हम आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे कि आपकी फाइनली कट ऑफ कितनी जा सकती है। यहाँ फॉर्म में संशोधन की बातें आप कह रहे थे, जी नहीं, ये संभव नहीं है कि फॉर्म में संशोधन का मौका आपको मिलेगा, चूँकि पीएनपी ने पहले ही अपने गाइडलाइंस में ये सूचनाएँ दे दी थी भैया हम आपको फॉर्म में संशोधन का मौका नहीं देंगे। अब आपने फॉर्म में गलतियां किया है उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये भी कह रहे थे कि भैया डायट की कट ऑफ कितनी जा सकती है, प्राइवेट की कट ऑफ 10,000 का पेमेंट। हालांकि ये चीजें हमने आपको जब शाम को इसके पहले वाला वीडियो प्रोवाइड किए थे तो उसमें चर्चा किए थे। फिलहाल के लिए और भी अगर चीजें आपको कंफ्यूज कर रही हैं, बिल्कुल आपके लिए कॉमेंट बॉक्स खुला है, आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।